मुआजर सामीन और सामियात, हमारे समाज में, सोसाइटी में, माशरा में एक कस्टम चला हुआ है कि हम अपने बच्चे की शादी कम उम्र में करा देते हैं। जिस उम्र में उनको किताबों से खेलना चाहिए, हम उस उम्र में उनको ससुराल भेज देते हैं। जिस उम्र में उनको कॉलेज जाना चाहिए, उस उम्र में हम उनको ससुराल की चक्कर में लगा देते हैं। जिस उम्र में उनको अपने माँ बाप की प्यार मिलना चाहिए, उनको सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थमा देते हैं। जिस उम्र में उनको अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहिए, हम उस उम्र में उनको अपने हस्बैंड के हवाले कर देते हैं। जिस उम्र में उनको अपने अपने बाल बच्चों को अपने दूसरे अपने साथियों के साथ खेलना चाहिए, अपने माँ बाप की हिफाजत करनी चाहिए, उस उम्र में हम उनको उनके गोद में बच्चे थमा देते हैं। तो इसी चीज को दिखाने के लिए हमारी बच्चे आएंगी। जो बाल विवाह जो बहुत ही कानूनन अपराध है, बहुत ही नासूर है समाज में, इस चीज को दिखाने के लिए हमारी बच्ची आएंगी। मैं इस शेर के साथ बच्ची को दावत दूंगा। कहते हैं कि कम उम्र में शादी करके सपना ना तोड़ो मेरा, कम उम्र में शादी करके सपना ना तोड़ो मेरा, अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। अब मैं इस शेर के साथ बाल विवाह को पेश करने के लिए नसरीन ग्रुप में दावा देता हूँ कि वो आए और बाल विवाह पेश करें। आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं महादायशा सिद्दीका की स्टूडेंट हूँ और मैं इस ड्रामा में बहू की रोल अदा करूंगी। सुबह में अभी कैसे बता दे भाई? पता नहीं फिजा दीदी अब तक क्यों नहीं आई। कितनी मुश्किल से घर वालों से छिप कर उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर फिजा दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरी सगाई हो ही जाएगी, आज मेरी जिंदगी का सत्यानाश भी हो जाएगा। क्या मैं खुशी खुशी आजादी के साथ जिंदगी जी रही? गुड़िया ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 वर्ष की हूँ। हाँ तो छोड़िया वर्ष से नहीं, शक्ल से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। माँ वो कुछ और था, कुछ और है। माँ बेटा औरतों को ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ मैं जब पढ़ना चाहती हूँ, कुछ पढ़ना चाहती हूँ, उसका क्या? के करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधे पेट से होकर निकलता है। लापाने रसोई का गणित सीख ले यही काफी है। तुम जैसे छोरे रसोई घर में अच्छी लगती हो। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ तो घर में मद की तदरी से चलता और उसकी बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है और लड़कियां छेड़ता है। आवारे की तरह गली गली में घूमता है और मार खा कर घर आते हैं। मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। छोरी तू तारे मर्द को सिखाएगी तो घर पे ही चलेगी। अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर लो और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ। खान साहब आइए पधारिए पधारिए। सारे रस्में पूरी हो चुकी है, हम गुड़िया को लेने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। माँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। खान साहब थारी बेटी का कह रही है? आप चिंता करे जी, नादन बेटी है, नादन बेटी है, चली जाएगी, चुपचाप ससुराल चली जाएगी। चल छोड़ो मुझे। रुको दीदी तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ऐसी गाई नहीं करवा सकते। गुड़िया भी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 वर्ष की है वो। अभी गुड़िया सियानी तो हो चुकी है ना, अभी वो चाहे तो यहाँ नहीं रह सकती है। अभी के मॉडर्न दौर में छोरियाँ जल्दी से सियानी हो जाती है। ये गुड़िया का घर है, वो यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी गुड़िया। पर है नहीं था, अभी अपने पति के साथ रहेगी और अपने पति की सेवा करेगी। पति के घर अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराया हो जाती है और जिस घर के लिए वो पराया होती है उस घर को कभी अपना बना ही नहीं पाती है। मैं थारे हाथ जोड़ू, खुदा के लिए अपने ससुराल चली जा, इसकी बातों पे ना। कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, दुनिया की इतनी आसानी से खिलौना समझ बैठते हैं।
देखो आप हमारे परिवार के मसले में दखल ले रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। छोरियाँ सिर्फ घरों के चार दीवारी में अच्छी लगती है, और तुम जैसे गंदे घटिया सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हो। ए छोरी, चाटना पर क्या मैं काम ना सिखा, और हमरे माथे पर मत बैठ समझी। गुड़िया सियानी तो हो चुकी है ना, बहुत है हमरे लिए। हम जितना समझते हैं ना, तुम्हें उतना समझ में ना आएगी। अभी तुम बच्चे हो, ज्यादा काम है मत पड़ा समझी। चल, अरे पैसे गुड़िया को नहीं ले जा सकते। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजाओ। आ बीच में तुम मत पड़, बच्ची है तो अभी। वाह, ये जानते हुए कि गुड़िया भी बच्ची है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करके अपने घर ले जाना चाहते हो? ऐसा काम तुम्हारे जैसे नामर्द ही कर सकते हैं। मुझे हाथ लगाएगी? चल, छोड़ मुझे। बाप रे, हम तो डर गए। आपको ये मालूम है कोर्ट बॉर्डर से? चुप, ये हमारा गांव है, यहाँ पर हमारा कानून चलता है, समझी? चल रे, बंद करो नाटक। डॉक्टर की जांच ठीक है? जी। तने पता है ना, बाल विवाह कानूनी अपराध है, उसकी सजा जरूर होगी। चल, अब तुम्हें जेल की कलकत्री में चक्की पीसना पड़ेगा, ताकि तुम्हें पता चले कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। चल चल चल। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ऐसे क्या कर रहा है? अरे भाई, वायरलेस माइक दो ना। जेल जाने से पहले एक मलम टेस्ट कर लेती हूँ। अपने
अपने बच्चियों को जीते जीना मारो, अपने बच्चियों को जीते जीना मारो, बच्चियों को सही से सब तालीम दो, बच्चियों को सही से सब तालीम दो, आलिमा करके फिर इनकी शादी करो, आलिमा करके फिर इनकी शादी करो, बच्चियों को सही से सब तालीम दो, बच्चियों को सही से सब तालीम दो, आलिमा करके फिर इनकी शादी करो, आलिमा करके फिर इनकी शादी करो।